श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज गुरुजी ने श्री मणिपुर शिवलिंग शिव महापुराण कथा में बताया है कि हमें अपने जीवन में एक नियम जरूर से बनाना चाहिए। जिनको भी उदर से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारियां हैं, भोजन ना पचता हो, गैस, एसिडिटी, कोई भी बीमारी हो, भोजन करने के बाद अपने हाथ की हथेली को हृदय पर रख करके शिव नाम को पुकारना है। आप हर हर महादेव ऊंचे स्वर में पुकारें या ओम नमः शिवाय ऊंचे स्वर में पुकारें, या फिर आप केवल ओम का उच्चारण आप लंबे स्वर में आप करें। इससे हमारा मात्र भोजन ही नहीं पचेगा, इससे हमारे जो उदर से संबंधित जो बीमारियां हैं और जो मस्तिष्क के में जो ओम के उच्चारण का जो वाइब्रेशन जाता है, तो मस्तिष्क से संबंधित और उदर से संबंधित व्याधियां भी दूर हो जाती हैं। क्योंकि शिव तत्व में वो बल है कि हमारी सारी परेशानियां और रोग दूर हो जाते हैं। ओम के उच्चारण का तो वैज्ञानिक भी प्रूफ दे चुके हैं कि यदि हम 6 मिनट या 10 मिनट लगातार ओम का उच्चारण करते हैं तो हजारों बीमारियां हमारी दूर हो जाती हैं केवल ओम शब्द के उच्चारण मात्र से। और योग में भी ओम के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए ओम के उच्चारण को भोजन के बाद जरूर से अपनी हथेली को हृदय पर रख करके जरूर से यह अपने जीवन में नियम बना लें। हर हर महादेव। की होती हो या भोजन में जो भी तकलीफ हो, बस एक नियम बनाओ, एक नियम आपके भीतर होना चाहिए, प्रतिदिन का एक नियम कि भोजन करने के बाद अपने हृदय को हाथ रखना है और हमें शिव का नाम पुकारना है। चाहे तो ओम नाथ कर लो, ओम का उच्चारण भी अगर आप लंबा स्वर में कर रहे हो तो भोजन जो तुमने किया है वो पचेगा और तुम्हारे शरीर में कष्ट नहीं होगा, वो भोजन पच रहा है।